नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम याद कर रहे हैं ऐसे वीर योद्धाओं को जिनकी वजह से हम आजाद हिंद की हर एक सुबह देख रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही वीर की कहानी MPS की जुबानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमर शहीद के बारे में जिनकी पूरी पीढ़ी ही अपने सिद्धांतों पर मर मिटने की प्रथा रखती है। हम बात कर रहे हैं भाई बाल मुकुंद की। भाई बाल मुकुंद का जन्म 1889 में झेलम जिले के करियाला गांव में एक मोहयाल हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भाई मथुरादास था। उनका परिवार सिख इतिहास के एक प्रसिद्ध शहीद भाई मतीदास से जुड़ा हुआ था, जिनसे उन्होंने अपने नाम के साथ भाई का नाम जोड़ा। बाल मुकुंद की राष्ट्रीय आंदोलन में रुचि तब पैदा हुई थी जब वह छात्र थे। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने अध्यापन का पेशा लिया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से उनके जुड़ाव ने उन्हें एक उत्साही राष्ट्रवादी बना दिया। 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली के चांदनी चौक से होते हुए एक राज्य की ओर मार्च कर रहे थे, तो उन पर एक बम फेंका गया। जांच के बाद बाल मुकुंद को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया, जहां वह जोधपुर महाराजा के पुत्रों के शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। बम विस्फोटों की जांच के बाद दिल्ली में एक मुकदमा चलाया गया और बाल मुकुंद को उसके साथी मास्टर रमीर चंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार विश्वास के साथ 5 अक्टूबर 1914 को मौत की सजा सुनाई गई। 26 साल की उम्र में ही 9 मई 1915 को उन्हें पुरानी दिल्ली जेल में फांसी दे दी गई। शहीद भाई बाल मुकुंद के परिवार की इच्छा थी कि उनका शव उन्हें सौंप दिया जाए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें उनका शव नहीं दिया। दिल्ली में जिस स्थान पर भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई, वहां अमर शहीद का स्मारक बना दिया गया है। MPS ऐसे वीर शहीद को नमन करता है। जय हिंद।